इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। और इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, मीटिंग में शामिल होगा गुप्कर ग्रुप। पीएम मोदी की ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल होंगे, लेकिन इस मुहिम को डिरेल करने की कोशिश भी शुरू की गई। महबूबा मुफ्ती ने अभी अभी बड़ा बयान दिया, कहा भारत कश्मीर पर पाकिस्तान से भी बात करे। तो पीएम की मीटिंग में शामिल होने की बात कही, लेकिन साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती ये भी कह रही हैं कि भारत कश्मीर पर पाकिस्तान से भी बात करे। एक मसला था, तो अगर जम्मू कश्मीर के हालात सुधारने, इस खित्ते में अमन लाना है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर या हमारे मुल्क के अंदर बल्कि पूरे खित्ते में, तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है। क्लियर कर दिया, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात, हमसे डायलॉग कर रहे हैं, हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा, हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे रिजोल्यूशन के लिए। तो गुप्कार ग्रुप पीएम मोदी की ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल होगा, ये साफ किया गया है, लेकिन इस मुहिम को डिरेल करने की कोशिश भी चल रही है। दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती ने इस मीटिंग के बाद एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर यहां पर अमन चैन लाना है तो सभी लोगों के साथ साथ पाकिस्तान से भी बात करे दिल्ली की सरकार, और उसके बाद ही इस पूरे अमले पर हल हो सकता है या यहां पर शांति आ सकती है। तो पीएम की मीटिंग से पहले महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान है, एक बार फिर आपको सुनाते हैं क्या कहा महबूबा मुफ्ती ने। एक मसला था, तो अगर जम्मू कश्मीर के हालात सुधारने, इस खित्ते में अमन लाना है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर या हमारे मुल्क के अंदर बल्कि पूरे खित्ते में, तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है। क्लियर कर दिया, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात, हमसे डायलॉग कर रहे हैं, हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा, हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे रिजोल्यूशन के लिए। तो प्रधानमंत्री से मुलाकात से पहले जो साफ हो चुका है कि गुप्कार ग्रुप के लोग जाएंगे, पीएम मोदी के साथ बैठक में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले महबूबा मुफ्ती ने एक बड़ा बयान दिया जो इस पूरी बातचीत को डिरेल भी कर सकता है। उन्होंने कहा कि यहां के सभी लोगों से बात करे केंद्र सरकार, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान से भी बात करे। बड़ी बात कही है, बड़ा बयान है ये महबूबा मुफ्ती का, क्योंकि भारत हमेशा से कहता रहा है कि कश्मीर उसका आंतरिक मामला है और पाकिस्तान का इससे कुछ लेना देना नहीं। इंडिया टीवी संवाददाता मंजूर मीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजूर, एक तरफ तो ये निर्णय हुआ कि गुप्कार ग्रुप के लोग जाएंगे प्रधानमंत्री के साथ बैठक में, लेकिन दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती का ये बयान कि पाकिस्तान से भी बात करे केंद्र सरकार। बिल्कुल अर्चना, पीएचडी की मीटिंग जो आज करीबन एक घंटे फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंस पर चली, और सभी नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग का न्योता मिला है उसे वो स्वीकार करते हैं और वो पीएम के पास जाकर अपनी पक्ष रखेंगे। खासकर आर्टिकल 370 और 35A को लेकर किसी तरह का भी समझौता नहीं होगा, लेकिन पार्टी ये मानती है पीएचडी की एक अपॉर्चुनिटी है कि सारे मुद्दे जो है वो पीएम से डिस्कस किए जा सकते हैं, लोगों की जो ख्वाहिशें हैं, जो उनकी उमंगें हैं, उसके साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। और महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि बातचीत सबसे होनी चाहिए, पाकिस्तान से भी बातचीत होनी चाहिए, तभी जो है जम्मू कश्मीर में एक खुशगवार माहौल बनाया जा सकता है। तो राहत की बात यह है कि जो 370 और 35A हटाने के बाद एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल प्रोसेस जम्मू कश्मीर में शुरू होने जा रही है, उसकी एक अच्छी शुरुआत जो है आज पीएचडी की मीटिंग की तरफ से देखने को मिला है। हालांकि ये कयास आ रहा लगाई जा रही थी कि महबूबा मुफ्ती इस मीटिंग में नहीं जाएंगी, लेकिन इंडिया टीवी ने पहले ही यह साफ कर दिया था कि महबूबा मुफ्ती जो है उसे इस मीटिंग में शामिल होना पड़ेगा, जो उसके अपने नेताओं ने, अपने पार्टी वर्करों और लीडरों ने कहा था कि आपको खुद जाकर अपना पक्ष जो है सामने रखना होगा। तो ये बात जो है पूरी तरह से साफ हो चुकी है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती एक ऐसी पार्टी उनकी पीडीपी की है जो हमेशा 370 और 35A पर सख्त पक्ष रखती थी, बहुत सारे बयान उनके सामने आए
थे, उन्होंने कहा कि वो तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक 370-35A जैसे मुद्दों को जो है वापस बहाल नहीं किया जाता है। लेकिन पीएचडी बनने के बाद वो तस्वीर जो है बिल्कुल कश्मीर में चेंज हो गई। फारूक अब्दुल्ला की सदारत में पीएचडी बनाई गई, डीडीसी चुनाव हुए और मिलकर ये चुनाव लड़े गए और अब उसी रणनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और जो नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 24 जून को मिला है उसमें ये सभी बड़े नेता जो है शामिल होंगे और अपना पक्ष जो है वो पीएम के सामने रखेंगे। दिल्ली से इंडिया टीवी संवाददाता देवेंद्र पराशर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, एक तरफ तो ये अच्छी खबर है कि गुपकार ग्रुप ने फैसला किया है कि वो प्रधानमंत्री के साथ बैठक में शामिल होगा, लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी कही है कि 370 और 35A पर भी वो चर्चा करेंगे वहां पर, और साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया वो क्या लगता है इस पूरी बातचीत को डिरेल होने की कोशिश है करने की? निश्चित तौर पर जो बातचीत होगी उसमें कश्मीर के जो दल हैं उनकी कोशिश होगी कि 370 और 35 की आवाज उठाएं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से उस मामले में कोई भी एश्योरेंस नहीं दिया जाएगा, कोई भी बातचीत नहीं होगी। वो ऐसा फैसला है जिसको जिस पर रिव्यू की कोई दूर दूर तक कोई भी संभावना नहीं है। इसके अलावा जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में चल रहा है, आपने देखा कि डीडीसी का इलेक्शन वहां कितना सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद पंचायत डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल के सारे बजट पास कर दिए गए हैं, डिलिमिटेशन कमीशन का काम ऑलरेडी चल रहा है, आगे चुनाव कराया जाना है, ये सारी चीजें केंद्र सरकार के स्कीम ऑफ थिंग्स में हैं और ये जितना जल्दी हो सके वो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार वो चाहेगी। लेकिन धारा 370 को लेके या 35 को लेके केंद्र सरकार के तरफ से कोई भी बातचीत की कोई संभावना नहीं। जी हमारे साथ मंजूर बने हुए हैं। मंजूर, महबूबा मुफ्ती ने आखिर ये बयान क्यों दिया, क्योंकि पहले ही ऐसा लग रहा है कि वो अनमने ढंग से इस मीटिंग में जाने के लिए राजी हुई हैं, क्योंकि उनकी तरफ से इनकार ही किया जाता रहा है इससे पहले। क्या वो वाकई इस बातचीत में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को लेकर बयान दिया, जबकि भारत का रुख एकदम साफ है इस बात को लेकर? देखिए अर्चना, आर्टिकल 370 और 35A हटाए जाने के बाद सबसे सख्त पक्ष और विरोध करने वाली महबूबा मुफ्ती थी जिन्होंने आर्टिकल 370 को हटाने का विरोध किया था। और 370 और 35A हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो शान थी, जो उनकी पहचान थी, वो खो चुकी थी, लेकिन उसको दोबारा बहाल करने के लिए महबूबा मुफ्ती ने कहीं ऐसे बड़े बयान दिए जिससे उसने लोगों की संपत्ति को वापस लाने की कोशिश की और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गई। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 24 जून को ये न्योता मिला कि कश्मीर पर बात होगी, हालांकि डिलिमिटेशन पर बात होगी, स्टेटहुड को लेकर बात होगी, ये अभी तक साफ नहीं है क्योंकि एजेंडा अभी तय नहीं हुआ है, जिस तरह से पार्टी में भी मीटिंग के दौरान डिस्कस किया गया, लेकिन इस न्योते को कबूल करने के लिए जो है सभी लोगों ने ये सहमति बिल्कुल मंजूर कुल मिला के कह सकते हैं कि अच्छी पहल है जिस तरह से गुपकार संगठन ने फैसला किया है कि प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में के लिए जाएगा, क्योंकि बातचीत से ही हर मुद्दे का हल निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देवेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कश्मीर का गुपकार संगठन प्रधानमंत्री मोदी के साथ होने वाली सर्वदलीय बैठक में शामिल होगा। श्रीनगर में आज गुपकार संगठन की बैठक हुई जिसमें फैसला हुआ कि कश्मीर के 6 दलों का संगठन गुपकार ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल होगा। यह बैठक 24 जून को दिल्ली में होने वाली है। मीटिंग में फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सहित सभी दलों के नेता शामिल होंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा पीएम के सामने वो अपनी बात रखेंगे। सवाल इस बात का था कि जैसे आपने सुना कि वजीर आजम की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं, वहाँ पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौकिफ है उसको वहाँ पे वजीर आजम साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें और उसके बाद जब वो मीटिंग ख़त्म हो जाएगी हम आपको भी ब्रीफ करेंगे यहाँ पे और दिल्ली में भी उनको ब्रीफ करेंगे कि हमने वहाँ क्या किया, क्या कहा और उनका रद्द अमल क्या था, यही हमने आपसे कहना है। हमारा मौकिफ जो है वो आपको मालूम है, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है।
क्या डॉक्टर साहब प्री कंडीशन है? हमारा मौकिफ जो है वो है और रहेगा। डॉक्टर साहब कौन मीटिंग में जाएगा भैया? एक आदमी पीछे तो बात करेगा। डॉक्टर साहब कौन कौन इस मीटिंग में जा रहे हैं सर? क्या सारे जितने भी लीडर्स हैं सारे जा रहे हैं? जिनको उन्होंने बुलाया है, महबूबा जी, मुझे, तारीगामी साहब को, और जिनको भी हमने से बुलाया है, हम लोग जा रहे हैं। हमें उम्मीद है क्योंकि ये दावत जो है, क्या बात कह रहे हैं, ये दावत जो है ये लीडरों को अलग अलग दी है, इसलिए हमें उम्मीद है कि वो इन सब लीडरों को अपनी पार्टी की तरफ से, क्योंकि ये इंडिविजुअल लीडर्स हैं, इंडिविजुअल पार्टीज हैं, इनको भी वैसे ही दावत नामा आएगा जैसे हमें आया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनकी पार्टी बातचीत के विरोध में कभी भी नहीं रही, अब भी नहीं है। देखिए, हम डायलॉग के खिलाफ नहीं है। आप जानते हैं मुफ्ती साहब हर बात शुरुआत करते थे डायलॉग के साथ। वी आर नॉट अगेंस्ट, हम डायलॉग के खिलाफ नहीं है, पर हम ये जरूर चाहते थे कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए। जैसे पूरे मुल्क के अंदर कोविड की वजह से जेल में जो कैदी थे उनको रिहा किया गया, जम्मू कश्मीर के हवाले से भी ये होना चाहिए था। जो हमारे सियासी कैदी हैं या दूसरे जजनीस हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए था, अगर वो वाकई चाहते थे कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, हम लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं जिनको पिछले 2 साल से उन्होंने इतना ह्यूमिलेट किया है। तो मैं समझती हूँ कि कम से कम ये उनको करना चाहिए था, मगर इसका कतई मतलब नहीं है कि हम डायलॉग के खिलाफ हैं। दूसरा, हमारा ये ख्याल था कि अगर पीएलजीडी के हेड के तौर पे फारूक साहब जाएंगे, मगर इनका ये है कि नहीं, हमको इंडिविजुअली इनवाइट किया गया है, सबको अलग अलग जाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे फारूक साहब ने भी कहा कि वहाँ कोई एजेंडा नहीं, उनका जो भी एजेंडा होगा, मगर हम अपना एजेंडा उनके सामने रखेंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।